धीरे धीरे बिहार पर चुनावी रंग चढ़ने लगा है। राज्य की सभी राजनीतिक पार्टियां युवाओं पर डोरे डाल रही हैं और इन युवाओं को अपने पाले में करने की जिम्मेदारी युवा नेताओं के कंधे पर है। जहां तेजस्वी यादव बेरोजगारी हटाओ यात्रा निकालकर खुद को युवाओं का सबसे बड़ा हितैषी बता रहे हैं, वहीं LJP के चिराग पासवान ने सोशल मीडिया पर अपना नाम बदल लिया है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्रियों ने लोकसभा चुनाव से पहले अपने नाम के साथ चौकीदार लगा लिया था, इस कड़ी में LJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया पर अपना नाम चिराग पासवान की जगह युवा बिहारी चिराग पासवान कर दिया है। चिराग पासवान जानते हैं कि किसी भी चुनाव में सोशल मीडिया का बड़ा योगदान होता है और वो युवाओं के वोट की ताकत को अच्छी तरह से समझते हैं। चिराग युवाओं के सहारे 2020 में LJP की चुनावी वैतरणी को लगाने में जुटे हैं। इससे पहले LJP नेता चिराग पासवान ने राज्य में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट यात्रा की शुरुआत की है। यात्रा को लेकर चिराग पासवान ने कहा था कि इस बार NDA गठबंधन 225 सीटों के साथ सरकार बनाएगा। पूरी मजबूती से लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड पूरी मजबूती से हम लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और गठबंधन के तहत ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और ये भी मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से दिल्ली में काम के आधार पर लोगों ने मतदान किया, बिहार की भी जनता मुझे लगता है कि विकास के कार्यों के आधार पर ही अपना मतदान करेगी और उसमें हम लोगों का गठबंधन सबसे आगे रहेगा। तो मुझे लगता है कि इस बार हम लोग गठबंधन को एक ऐतिहासिक जीत मिलेगी 225 से ज्यादा सीटों के साथ। मेरा विश्वास है कि हम लोग सरकार बनाएंगे। इस यात्रा की शुरुआत करते हुए चिराग ने कहा कि हम पूरे रोड मैप के साथ लोगों के पास जाएंगे और एक टोल फ्री नंबर की भी घोषणा करेंगे ताकि किसी भी समस्या को लेकर कोई भी हमें अपना सुझाव दे सके। चिराग ने कहा है कि 14 अप्रैल को पार्टी अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी करेगी। घोषणा पत्र जब आए, जो कि 14 तारीख को 14 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में जब ये यात्रा का समापन होगा, पटना के गांधी मैदान में उस मैनिफेस्टो को हम लोग रिलीज करेंगे और उस मैनिफेस्टो में तमाम उन मुद्दों का जिक्र होगा जो सिर्फ बिहार की जनता की राय से लिए गए जो मुद्दे हैं और जो ऐसे मुद्दे, जो ऐसे बातें जो कि बिहार को पहले पायदान पर लेकर जा सके, तमाम उन बातों का जिक्र विजन डॉक्यूमेंट में होगा। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट 2020 जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा 14 अप्रैल पटना के गांधी मैदान में इसको हम लोग रिलीज करेंगे, जिसमें छोटी बड़ी हर बातें होंगी। शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, सुरक्षा की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो। इस यात्रा की शुरुआत वैशाली और मुजफ्फरपुर से हुई है। 14 अप्रैल को गांधी मैदान में इस यात्रा का समापन होगा। उन्होंने कहा कि हम एक विजन डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करने जा रहे हैं जिसमें प्रदेश के कमेटी के लोग शामिल हैं। 10 से 12 लड़के लड़कियों का ग्रुप बनाकर हम लोग कॉलेज में जाएंगे और बात करेंगे कि बिहार में कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है और वो क्या देखना चाहते हैं। अब ये तो बिहार विधानसभा चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि युवा बिहारी बनने का चिराग की पार्टी को कितना फ़ायदा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।